तो भाई सैमी जेन की लगातार 10 मैच हारने के बाद स्ट्रीक टूट चुकी है फाइनली, जब उन्होंने रॉ पर शिंसुके नाकामुरा को हराया था एक सिंगल मैच के अंदर। मतलब यार देख लो आप, एक टाइम था जब ये बंदा रोमन रेंस को हराने तक ले आया था, और आज इसके साथ WWE के अंदर क्या कुछ हो रहा है करंट टाइम में। आई थिंक ट्रिपल एच को कुछ तो सोचना चाहिए, अभी रेसलमेनिया भी आने वाला है, मे बी सैमी जेन को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल शॉट भी मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है आने वाले टाइम में सैमी जेन के साथ। बाकी आपके क्या एक्सपर्ट थॉट्स इसके ऊपर? इसी के साथ सीएम पंक बनने वाले हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी एक मैच के अंदर, और साथ ही साथ ब्लडलाइन से रिलेटेड कुछ बातें निकल कर आई हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्वागत है आपका रेसल मस्ती के एपिसोड नंबर 35 में। तो जो भी नए बंदे हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। तो सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के साथ मिलकर ब्लडलाइन के साथ अपने पंगे ले रहे हैं, और ड्रू मैकइंटायर अवेयर भी कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को कि भाई तुम ब्लडलाइन के साथ पंगे मत लो, उनसे दूर रहो, क्योंकि अगर तुम उनसे पंगे लोगे तो वो हमारे मैच के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। तो एक्चुअली यही वो रीजन है जिसके कारण रेसलमेनिया 40 के अंदर सेथ रॉलिंस फाइनली अपना टाइटल हारेंगे ब्लडलाइन की इंटरफेरेंस के कारण, और ड्रू मैकइंटायर को उनकी मूवमेंट मिलेगी जो कि है कि क्राउड के सामने चैंपियन बनने की। तो सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप लेने के लिए ही WWE ने ये ब्लडलाइन वाला जो एंगल है वो यहाँ पर घुसेड़ा है इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो डे मार्जिन के अकॉर्डिंग WWE रेसलमेनिया के अंदर 2 मैच और ऐड कर सकती है, जिसमें सबसे पहला मैच है एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का, जिसकी शुरुआत एलिमिनेशन चेंबर से ही हो गई थी जब एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया था चेयर से एले नाइट के ऊपर। उसके बाद दूसरा मैच है लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन का, और इसकी भी आपको एलिमिनेशन चेंबर के अंदर क्या हुआ था ये आपको पता ही होगा। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि WWE इन दोनों मैच की जगह एक मैच को प्रेफर करे जो कि होगा एक लैडर मैच, एंड ये मे बी लोगन पॉल की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर WWE एक मैच के अंदर ही काफी ज्यादा सुपरस्टार को फीचर्ड कर देगी। बाकी आप कौन सा मैच प्रेफर करोगे रेसलमेनिया 40 के लिए, सभी लोग अपनी अपनी राय को जरूर शेयर करना। अब बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट की जो कि जुड़ी है सीएम पंक से। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि WWE सीएम पंक को शेड्यूल कर रखी है रेसलमेनिया 40 के लिए। तो यहाँ पर WWE सीएम पंक से कॉमेंट्री टेबल को ज्वाइन करवा सकती है, या फिर सीएम पंक रेसलमेनिया 40 को होस्ट भी कर सकते हैं। एंड अब रिसेंटली एक पॉसिबिलिटी और भी निकल कर आ रही है कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच के अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ हफ्तों से देखा होगा तो ड्रू मैकइंटायर भाई कितना नेक्स्ट लेवल पर ट्रोल कर रहे हैं सीएम पंक को, कभी अपने ट्विटर अकाउंट पर और कभी कभी तो भाई लाइव शोज के अंदर जैसे कि मंडे नाइट रॉ पर। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो काम कर सकते हैं सीएम पंक एट रेसलमेनिया 40। बाकी आप कौन सा रोल पसंद करोगे सीएम पंक का रेसलमेनिया 40 के अंदर, एज अ कमेंटेटर, एज अ होस्ट, या फिर एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी? बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।